नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा की तरफ से ये भर्ती आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जो डेट है दोस्तों, वो है एडवर्टाइजमेंट डेट 13 मार्च 2020 की, ये है यहाँ पे। और ये है रिक्रूटमेंट नोटिस का नंबर। आइए चेक कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, पोस्ट का नाम क्या है। ये है दोस्तों पोस्ट, ग्रुप ए की पोस्ट है, बी की और सी की पोस्ट है। इसमें ग्रुप ए की जो पोस्ट है, सीनियर मैनेजर, टोटल एक पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल है, एससी एसटी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस और जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की दो पोस्ट है। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर वन के लिए जो है 7 पोस्ट है। इसी के ठीक नीचे टेक्निकल ऑफिसर सेकेंड के लिए जो है 1 पोस्ट है। ग्रुप सी की कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसको हम बोलते हैं, 4 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट हैं और लैब टेक्नीशियन के लिए 7 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की। सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो ये पे स्केल है, यहाँ पे 1,23,000 से लेकर 2,15,900 रुपये तक पे रहेगी दोस्तों। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है साथ में और जिन्होंने पीजी किया है या डिप्लोमा किया है एचआर में या फाइनेंस में, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सीए या एसीडब्ल्यूए किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 15 साल का ज़रूरी है। नंबर दो पे जो पोस्ट है दोस्तों, डेपुटेशन वाले जो कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 56 साल एज इसमें रखी गई है। उसके बाद जो पोस्ट है दोस्तों, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी। ये पे स्केल है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और साथ में जिन्होंने पीजी किया है या डिप्लोमा जिन्होंने किया है रिलेवेंट फील्ड में, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सी ए आई सी डब्ल्यू जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। उसके बाद जो पोस्ट है नंबर 3 पे, सेक्शन ऑफिसर के लिए पे यहाँ पे मेंशन है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पे रहेगी। और एज जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 35 साल और जो डेपुटेशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 साल रहेगी दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या जिन्होंने सीए या आईसीडब्ल्यूए किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नंबर 4 पे जो पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर सेकेंड के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लाइफ साइंस में या इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज रहेगी 35 साल। उसके बाद है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर वन के लिए, ये पे स्केल है, एज 35 साल रहेगी। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन डिग्री लाइफ साइंस में या इंजीनियरिंग, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 35 ईयर्स मैक्सिमम। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में या जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, आईटी में किया है, या जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में 1 साल का, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगी 30 साल। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों, डिजायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए जिन्होंने 10+2 पास किया है साइंस से और जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है या जिन्होंने DMLT किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगी 30 साल। एज में नियमानुसार छूट है, यहाँ पे टेबल इन्होंने बताई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC ST के लिए 15 साल। एक्सर्विसमैन के लिए नियमानुसार छूट है दोस्तों, जो डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी छूट यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो जो कैंडिडेट जिस चीज़ के लिए क्लेम करते हैं वो रिकॉर्डिंग अपने चेक कर लें कि एज में कितना कंसेशन उनको मिलने वाला है। तो ऑनलाइन आपने अप्लाई करनी है दोस्तों। ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। जो जनरल है, OBC या EWS के कैंडिडेट हैं, लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक उनके लिए 200 रुपये फीस है और लेवल 11 से लेकर लेवल 13 तक उनके लिए 500 रुपये फीस है। जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, बाहर के कैंडिडेट हैं, $ उनकी 15 रुपये फीस रहेगी, $15 डॉलर फीस रहेगी, $ 15। और जो 11 से लेकर 13 तक है, $30 उनकी फीस रहेगी। SC ST वोमेन और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों ये कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये साइट है, साइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वेबसाइट पे पब्लिश हुई है ये एडवर्टाइजमेंट 13 मार्च 2020 को और लास्ट डेट रहेगी इसकी 8 अप्रैल 2020
20। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।